डॉक्टर साहब, हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती, हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती डायस्पोरा को? ये अक्सर एक सवाल होता है, आप भी वहां पे काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे दो चार पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरेबान पकड़ लिया, जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से, कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम है लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ गया हमेशा चोर चोर के। तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार, इसको जो नोट में गांधी जी है उसको वो चाहिए, हमने इसको गलत गांधी जी दिखा दिया, उसको तो वो वाले गांधी जी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कि आपने रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है उसका तेल खरीद के। मोदी गवर्नमेंट में आए हैं, हाँ। वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके आए थे, अच्छा, ठीक और है। उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है जो अखंड भारत बनाने की, अच्छा, ठीक है। हिंदुत्व, मोदी अखंड भारत बनाना चाहते हैं, भारत बनाना चाह रहे हैं, तो उस वजह से वो जो रिलेशंस पहले टेंस, जिसमें कमी टेंशन में कमी आई थी, लेकिन अब वो फिर टेंशन इंक्रीज हो गई है। मोदी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ज़ेलेंस्की का पहला एक्विजिशन है, बिलियंस आप खर्च कर रहे हैं वो अपने वॉर में लगा रहा है, यानी कि भारत ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर इकोनॉमी बनाया। डॉक्टर साहब, ये हमारी क्रिकेट की ये सियासी जो हालात खराब है, इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है। टीमा साहब, जब आप क्रिकेट की टीम के अंदर पहलवान कुश्ती वाले रख लें तो फिर वो इस तरह ही होता है ना, सिफारिशी सारे बच्चे हैं। वो कुश्ती वाले पहलवान को निकाल दिया उन्होंने, तो दूसरे साथ वो दूसरे भी होंगे, कबड्डी वाले होंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, पर मैं फ्रेंकली एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग पीस समिट उस देश में, भारत ने ऑफर करा था कि हम पीस समिट करते हैं, आपको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, चलिए शांति। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब तक दोनों लोग नहीं बैठ पाएंगे तब तक कैसे बात होगी, रूस और यूक्रेन को दोनों को बैठाना पड़ेगा। तब इन्होंने यह बोला है कि साहब हम ऐसे देश में पीस समिट कैसे, ये नैरेटिव उन्होंने अपना बड़े अच्छे तरीके से मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट किया हुआ। हाँ, मान रही है। अब तो दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल इरा में है, दुनिया वही मानेगी जो उनके सामने है। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसने जॉइंट कम्युनिके ऑफ द पीस समिट जिसने साइन नहीं करा, यानी कि आप पहले साइन करिए एक कागज जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है। मैंने अगले दिन किसी से न्यूयॉर्क में बात कर रहा था तो उसने कहा ताड़ सब आप हमेशा जो बड़े जज्बाती होते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा पे, गुस्सा नाइन पे करा किया करें। मैं क्या क्यों, कहते हैं जी इस फैक्ट्री से आए, उस फैक्ट्री के हालात देख लें आप डायस्पोरा पे क्यों बेजार है, जिस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है उसके हालात देख लें क्या है। मैं बिल्कुल साबस भी, रशिया इन्वेडर है, आप चार गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, तब हम सोचेंगे कि हम भारत में पीस समिट करें, भाड़ में जाओ, कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले रहे, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास, यूक्रेन से रुकेगा कहीं और से आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, शॉपिंग मॉल में बच्चे नहीं होते बिगड़े हुए, बदतमीज किस्म के, माँ बाप ने ठीक से उनकी परवरिश नहीं करी होती। मोदी साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल दौरा पोलैंड का करके आए हैं, और मैं हैरान था कि पोलैंड के अंदर भी 25,000 भारतीय मौजूद हैं, और मोदी साहब की ये खासियत मैंने देखी है, नोट की है, वो जहां भी जाते हैं अपने डायस्पोरा को वहां पे खुश रहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती, हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती डायस्पोरा को? ये अक्सर एक सवाल होता है, आप भी वहां पे काफी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा, आपके भी कनेक्शन है, लेकिन दरअसल पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों आके तो इस तरह बड़े बड़े खिताब नहीं करती, बड़े कोरियोग्राफ्ड किस्म के जो है ना वो मैनेज्ड किस्म की डिस्कशन होती है किसी बंद कमरे के अंदर, ऐसा क्या है, डरते हैं या के लोग वेलकम नहीं करते इन्हें बाहर? साहब, आपने खुद ही इस चीज का जवाब दिया है, डरते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे दो चार पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरेबान पकड़ लिया, जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से, कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम है लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ गया हमेशा चोर चोर के नारे लगा। कल वो जब मोदी साहब का जहाज गुजरा, लेकिन कल इंडियन ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में आ गए तार साहब, और वो पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहे तार साहब। इंडिया क्यों पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेज रहा है और सर्वेलेंस कर रहा है, और पाकिस्तान अब वो सुने ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, छोटा सा ड्रोन था वो आ गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन इंडिया ड्रोन भेज रहा है, इससे आपको लगता है कोई डिस्टेबिलाइजेशन हो सकती है? और ये जो एक्शन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने बड़े महंगे ड्रोन खरीदे हैं और वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कर रहा है, इस पर भी कोई थोड़ा कमेंट करें। पहले तो आप कंफर्म करेंगे वाकई ड्रोन था या कोई कबूतर था जिसको आपने मार लिया, और आपने किससे मारा, आपने नीचे से किसी बट्टे से मारा है वो, किस चीज से मारा है आपने? वो ड्रोन था, वो इंडिया ने खुद मांगे ड्रोन हमसे,
वो उन्होंने कहा हमारा ड्रोन वापस कर देने के आसानी देना। ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਖਡਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸਾਂ ਵੱਟੇ ਵੁੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾ ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦੇਖੇ ਮਾਜ਼ੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀ ਉਸਪੇ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀ ਉਸਪੇ ਹਮੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਏ ਹੋਤੀ ਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਦਿਨ ਸੇ ਹੀ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਕਾ ਹਿੱਸਾ भारत के पास रह गया है फैक्ट्रियां सारी उधर रह गई हैं और बहुत बड़ा कंट्री है उसे हमें उससे खतरा है अब लेकिन 21st सेंचुरी में खतरा किससे हो रहा है आज किससे खतरा हो कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के तो बच्चा लेट जाता है शॉपिंग मॉल में और वहां पर खूब जोर से हा हा वो बच्चा ज़ेलेंस्की है इसको वेस्ट ने इतना चढ़ा दिया है कि ये अपने नशे में चल रहा है कि यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ द अर्थ ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहता मत सुनो सानू की भाई देखो सुनो ये चाह रहा था कि मोदी जी आते 8-10 अरब डॉलर उसको देते बोलते फॉर द रिकंस्ट्रक्शन हम शांति प्रिय देश हैं हम हथियार के लिए पैसा नहीं देंगे लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए मोदी जी ने क्या बोला कि तुम लड़ाई नहीं चाहते कोई लड़ाई नहीं चाहता हम भी नहीं चाहते चलो शांति की बात करते हैं वो शांति की बात क्यों करेगा यार ज़ेलेंस्की देखो ज़ेलेंस्की डज नॉट वॉन्ट पीस अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की को शांति क्यों नहीं चाहिए 2022 फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी 24 तारीख को तब से लेकर आज तक 55.4 अरब डॉलर की फंडिंग दी है यूक्रेन को भाइयों यानी कि 46.2 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 55.4 वो अलग पैसा है ये अलग पैसा है इतना पैसा सिर्फ अमेरिका ने दिया है दोस्तों क्लोज टू $90-95 बिलियन सिर्फ अमेरिका ने दिया मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं ठीक है इस पूरे मामले में हथियार का मैं आपको अलग से सैंपल दूंगा इसका कि भाई कितना गड़क गया है ये आपको पता होना चाहिए और सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है बहुत बड़ी चीज है सेमर हर्ष उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकन की उन्होंने बोला यार ये तो चोर है ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये और इसके मंत्री खा चुके हैं मैं सिर्फ हथियारों की बात कर रहा हूं वैसे जो पैसा मिला है वो भी इससे ज्यादा मिला है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मिलिट्री मिसाइल बम पटाखे कितना पैसा मिला है देखो जैसा मैंने बताया अमेरिका का है $46.2 बिलियन जर्मनी ने दिया है $10.7 बिलियन यूके ने दिया है $5.7 बिलियन डेनमार्क ने दिया है $5.2 बिलियन नेदरलैंड्स ने दिया है $4.1 बिलियन पोलैंड ने दिया है $3.2 बिलियन स्वीडन ने दिया है $2.9 बिलियन कनाडा ने दिया है $2.1 बिलियन फिनलैंड ने दिया है $1.9 बिलियन ये दोस्तों कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टॉप डोनर्स ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट है 29 फरवरी 2024 की इसको बीबीसी ने कवर करा है 18 जुलाई 2024 को यह एक थिंक टैंक की खबर है जिसको बीबीसी ने कवर करा है यह जेन्यून फिगर्स है यानी कि $82 अरब के हथियार ये भाई खा गया $82 अरब के हथियार और उसके ऊपर से जो उसको नोट मिले भाई वो अलग है दैट इज नॉट काउंटेड ये 82 के ओवर एंड अबव है ये सिर्फ मिलिट्री है एड जो इसको मिली है अब आप समझ लो यार इतना पैसा इसको 2 साल में उतना मिला है जितना भारत का डिफेंस बजट 1 साल का है इतना ही तो आसपास का 80-85 बिलियन डॉलर्स का भारत का डिफेंस बजट है ये 2 साल में उतने सिर्फ हथियार में खा गया और भारत में तो डिफेंस बजट में आपकी पेंशन है पे है आपके 10 और खर्चे हैं हथियार पर थोड़ा ना हम लोग इतना खर्च करते हैं इतना बिलांद भर का यूक्रेन बिलांद भर का इतना पैसा है अब देखो इसके अलावा जो मोटे पैसे इसको मिले फंड के ग्रांट के इसमें से इसको ₹1 वापस नहीं करना है भाई समझो इसको इसमें से ₹1 वापस नहीं करना है ज़ेलेंस्की को सारा ये गड़क गया डकार नहीं ली भाई ने सारा पैसा इसके पेट में है और ज़ेलेंस्की को ₹1 वापस नहीं करना अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं यार छोटी सी बात पूछ रहा हूं आज की तारीख में ये बात कर रहा है देखो ये कह रहा है कि मोदी जी ने गलत करा पुतिन से मिले मोदी जी ने गलत करा और ये शांति की बात कर रहा है ये कह रहा है कि शांति वार्ता में आप ज़ेलेंस्की का गेम समझो यार ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि भाई शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है जो सबसे पहले रूस को गाली दे हाँ और दूसरा सबसे बड़ी बात है चीमा साहब अब लोग आपकी इकॉनमी को इकॉनमी के जरिए आपको वेपनाइज कर लेते हैं आपको आपकी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया जाता है और खैर आपको तो वो इशू नहीं है लेकिन ये कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इस वक्त मेरे ख्याल में जंगे नहीं करती इकोनॉमिकली आपको बैंकरप्ट कर देती है लेकिन आप पे वो फिट नहीं पड़ता लेकिन चीमा साहब व्हाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रेड एंड देखिए एक सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना का 2 लाख उनका फौजी खड़ा है पार्टनर लेकिन भारत इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर विद आप ट्रेड क्यों नहीं करते मेरी मुझे समय से बात आप क्यों रुके हैं उस चीज पे हालांकि आपकी जरूरत है
इस वक्त अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इंडिया इज नॉट लिसनिंग। कि पाकिस्तान आज 23 साल बाद बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गया। जी दरअसल साहब, ये हमारी क्रिकेट की ये सियासी जो हालात खराब है, इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है। टीमा साहब, जब आप क्रिकेट की टीम के अंदर पलवान कुश्ती वाले रख लें तो फिर वो इस तरह ही होता है ना। सिफारिशी सारे बच्चे दोस्तों यारों के बच्चों को ले आए जो जिनको गुल्ली डंडा भी ना खेलना आता हो, तो आप कहें जी लाए टेस्ट मैच खेल दे तू, T20 खेल। वो कुश्ती वाले पलवान को निकाल दिया उन्होंने, तो दूसरे साथ वो दूसरे भी होंगे, कबड्डी वाले होंगे, वो जो मोटा पलवान कुश्ती वाले निकाले उसके और दूसरे जीत रख ली 10 विकेटों से बांग्लादेश आपके होम टर्फ के ऊपर आपके करके गया हो। मेरे ख्याल बंद कर देनी चाहिए, इस टीम को रखने का जवाब है आपके पास। क्रिकेट को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप अर्शद नदीम को प्राइम मिनिस्टर बनाएं और इनको सबको बांस की छड़ियां दें, इनको सारे नजे सटड़े। मेरे ख्याल में क्लोज द क्रिकेट, क्रिकेट टीम खत्म करें। जैवलिन का रवाज है भाई आजकल, इनको बांस दे दें। हाँ, इनको बांस दें, मारे फेंके सारे। और अर्शद नदीम को प्राइम मिनिस्टर बनाए आप, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। दूसरे पाकिस्तान का मोरल ठीक है, मुझे ये बताएं। मैंने अगले दिन किसी से न्यूयॉर्क में बात कर रहा था तो उसने कहा ताड़ साहब, आप हमेशा जो बड़े जज्बाती होते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा पे, गुस्सा ना इन पे करा किया करें। मैं क्यों, कहते जी इस फैक्ट्री से आए, उस फैक्ट्री का हालात देख लें आप डायस्पोरा पे क्यों पिसा रहे, जिस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है उसके हालात देख लें क्या है। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूं।